जो आपका आर्मर का वेरिएशन है कहाँ से सीखा आपने, किसने आपको सिखाया, कुछ बोलेंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव रहा है। आई थिंक मैं खेलते खेलते अपने आप ही सीखा हूँ, और उसके बाद जब NCA में गया तो उसके बाद मैंने वेंकट सर थे तो उनके साथ मैंने थोड़ा काम किया था, उसके बाद मैंने सीखा है। क्योंकि पर मोस्टली मैं पहले फास्ट बॉलिंग करता था तो उसके लिए मेरा जो बॉलिंग स्टाइल है वो थोड़ा और तेज़ वाला है, और उसी से मुझे थोड़ा आइडिया आया था। उसके बाद मैं थोड़ा स्पिन बॉलिंग में, मेरा नी का तो एक प्रॉब्लम हो रहा था उसकी वजह से मैं स्पिन में कन्वर्ट किया, और उसके वजह से मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज आर्म बॉल डालता हूँ। शुभायन चक्रवर्ती। अक्षत आप आज बहुत जल्दी आए बॉलिंग करने ईशान का टुकड़ा के फर्स्ट स्पेल के बाद, तो पिंक बॉल में नए बॉल के साथ एक्स्ट्रा लैकर रहता है बॉल में, तो कितना इजी रहा है टफ रहा वो एक्सपीरियंस बताइए। हाँ आई थिंक जब फास्ट बॉलर बॉल डाल रहे थे तो उनका पांव थोड़ा, जो इंग्लैंड के बॉलर को भी दिक्कत हो रही थी वो गड्ढा हो गया था, उसके वजह से थोड़ा बैलेंस जा रहा था, और उसके वजह से बॉल में लेंथ में भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसके वजह से मैं जल्दी आ गया था। और मुझे लग रहा है कि पिंक बॉल में थोड़ा ग्लेयर रहता है, तो उसके वजह से मुझे लग रहा है कि बॉल और स्केट कर रहा था विकेट से, और इसके वजह से जो LBW डिसीजन मिले तो उसके वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा और गिरने पड़ने के बाद और स्किड कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि रेड बॉल और पिंक बॉल में थोड़ा ये था कि मुझे चेन्नई से ये वाली विकेट में और स्किड मिल रहा था। अनुज मिश्रा एंड अमित गुप्ता। जैसे कि आप अभी आपने बोले कि चेन्नई वाली विकेट का आपने जिक्र किया, तो चेन्नई में तो आपने 5 विकेट लिए थे, वो तो एक रनिंग बैक थी और हमारा नॉर्मल टेस्ट मैच हो रहा था, आई थिंक उम्मीद तो ऐसी थी नहीं कि मैं पहले दिन पे 6 ले लूँगा, क्योंकि पता नहीं था कि बैटिंग आएगा या बॉलिंग आएगा, लेकिन ऑब्वियसली मैं अपने आप को प्रिपेयर था और कॉन्फिडेंट था, क्योंकि लास्ट मैच में मैं 5 विकेट लेके आया था, तो मैं बॉलिंग अच्छा डाल रहा हूँ, तो वो मुझे प्रिपेयर था मैं कि मैं पिंक बॉल में भी अच्छा बॉल डाल सकता हूँ, और अगर विकेट हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मेरी जो वेरिएशंस है और जो मेरी लाइन और लेंथ है तो मैं बैट्समैन को मुसीबत में डाल सकता हूँ, तो आई थिंक वही कामयाब हुआ। अमित गुप्ता। अक्षर देखिए पिंक में यू हैव टू बॉल विद इन द स्टंप्स एंड रीप बेनिफिट, सो टुडे डू यू थिंक वाज द परफेक्ट डे व्हेन Both of you bowled within the stumps and got wickets. Yeah, obviously, जो विकेट से मैंने जैसे बोला कि बॉल स्किड कर रहा था, और जब आप बॉल स्किड कर रहे हैं तो आप विकेट टू विकेट बॉल डालना चाहोगे, क्योंकि जब बैट्समैन अगर आगे वाला बॉल भी थोड़ा सा पीछे खेलता है तो LBW या बोल्ड होने का चांस है, तो यह वही था, और मैं और ऐश वही बात कर रहे थे कि बॉल ज़्यादा घूम नहीं रहा, कोई एक या दो बॉल घूम रहा है और उसके बाद बाकी सब स्किट कर रहा था, तो हमारा प्लान यही था कि विकेट टू विकेट बॉल डाले। प्रथमेश दीक्षित। ये आपका आवाज नहीं आ रहा, बस आप पड़ेगा। हाय हाय सर, सो जस्ट वांट टू नो कि जब आपने 5 विकेट चार विकेट लिए थे, जो कोई रन नहीं देखे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 साल पहले, बट आज 8 साल हो गया, अभी आपका बॉलिंग फॉर्म देखे आपको लग रहा है कि 8 साल में थोड़ा ज्यादा बैटरीज कर सकते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, क्योंकि आप सिर्फ 4 मैच ही खेले हो लास्ट टेस्ट को मिला के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2012 से 2021 तक। आई थिंक जिस तरह का मुझे लग रहा है कि जो आपने 5 साल पहले की बात की कि तब मैं बॉल डालता था, और उसके बाद मैं कितना क्रिकेट खेला हूँ, IPL भी खेला हूँ और इंडिया ए भी खेल रहा हूँ, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुझे ये सब सोचना चाहिए कि मैं 4 मैच खेला या 5 मैच खेला हूँ, लेकिन जिस तरह का अमाउंट ऑफ क्रिकेट मैं खेलते आ रहा हूँ और इंडिया ए में भी जब जाते हैं तो सब एक्सपीरियंस प्लेयर रहते हैं, जो सामने वाली टीम के भी इंटरनेशनल प्लेयर रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसका मुझे बेनिफिट डाउट और मिलता है, और बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी बॉल डालूँ तो मैं ऐसा ना सोचूं कि यार मैं पहला मैच खेल रहा हूँ या दूसरा मैच खेल रहा हूँ। सर आप जूनियर क्रिकेट बहुत खेले हो मोटेरा पे, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा खेलने का एक ही मैच खेला है,
आई थिंक ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि जैसे होम एडवांटेज था, लेकिन वो भी हम लास्ट आई थिंक 5 साल के बाद मैच खेल रहे, नई विकेट्स थे, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि होम एडवांटेज है, लेकिन हाँ क्राउड और जो हमारा गुजराती क्राउड था उसके वजह से मुझे लग रहा था कि होम एडवांटेज है, बाकी तो और कोई तरह से मुझे लग रहा है कि दोनों की तरफ इक्वली था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चैट पे आया है, कार्तिक कृष्णा स्वामी क्रिकेट फोर से, वो कह रहे कि आपने बात करी कि पिंक बॉल स्किड हो रहा था, तो क्या इस वजह से आपने आज बॉल को अंडरकट भी किया ताकि आप वो एक्सपेक्ट कर सको कि ये आपका यूजुअल स्टाइल है? बेसिकली मेरा यूजुअल स्टाइल भी ये है, और ज़्यादा मैं फोकस कर रहा था कि स्किट हो रहा था तो मैं ज़्यादा अंडरकट कर रहा था, और ज़्यादा विकेट में मैं थोड़ा और तेज़ डालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि स्किट हो रहा था, इसके वजह से मैं ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा था, क्योंकि नया बॉल था और ग्लेयर था तो और पढ़ के स्किट भी हो रहा था, जैसे जैसे पुराना हो रहा था तो उसके बाद उतना स्किट नहीं हो रहा था, तो बस उसके वजह से मैं थोड़ा और ज़्यादा अंडरकट कर रहा था। आपको पहले आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। पहले मैच में 5 लिया और दूसरे मैच में 6 लिया, तो उसके कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है? हाँ जब अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट रहते हैं और खुशी होती है, तो आई थिंक काफ़ी अच्छी खुशी हो रही है, लेकिन बस यही है कि पहले मैच जीत जाए उसके बाद ये खुशी हम सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।